नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। देश में संघीयता प्रदेश नंबर दू के सरकार के कारण बाँच रहल प्रदेश सरकारक मुख्यमंत्री लालबाबू राउत के दावी। राजपा से बनल मंत्री आ राजपा के नेता कार्यकर्ता बीच विवाद, अपने पार्टी के मंत्री के कारी झंडा आ कारी चुना लगेबाक प्रयास। सब तरीके बोधे बरसाई नगर पालिका पांच जाजर में मुस्लिम समुदाय के तीन दिवसीय धार्मिक सम्मेलन इज्तिमा शनि दिन से शुरू, विशाल उपस्थिति। चीन सहित विश्व के विभिन्न देश में कोरोनाक संकट, मृतक के संख्या 1523 पहुंचल, 66492 गोटे में संक्रमण। आ त्रिभुवन आर्मी क्लब के 1-0 गोल अंतर से पराजित करते मच्छिंद्र क्लब शहीद स्मारक डिवीजन लीग के चैंपियन बनल। आप समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकारक दू वर्ष पूरा भेल प्राते भेने शनि दिन प्रदेश नंबर दू के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत पत्रकार सबके बजा कर दू वर्षक अपन शासन आ सत्ता के प्रगति विवरण सुनौने। मुख्यमंत्री राउत अपने सभक कारण संघीयता बाँच रहल से जनकपुर धाम के मेयर लाल किशोर शाह के मुख्यमंत्री धर के टिप्पणी कर दिलन। रिपोर्ट। प्रदेश दू सरकार के दू वर्ष पूरा भेल प्राते भेने शनि दिन मुख्यमंत्री लालबाबू राउत अपन निवास में पत्रकार सबके बजा कर अपन दू वर्षीय कार्यकाल के प्रशंसा कलक। राजपा के तीनू मंत्री आ समाजवादी के एक मंत्री सहित चार गोट मंत्री सबके अपन दुनू कात राखि कर पत्रकार सम्मेलन केने राउत, अपने सबके कारण विभिन्न षड्यंत्र के बावजूद समेत एखन धरि संघीयता बाँच रहल कहित दू वर्षीय अपन सबके कार्यकाल एकदम सफल रहल दावी कलने। जुन किसिम को अधिकार कटौती का कुरा हुँदै छ, जुन किसिम को संघीयतालाई कमजोर बनाउने कुरा हुँदै छ, त्यसमा प्रदेश सरकार स्ट्रङली सबैको सर्वसम्मतले हामी चाहिँ अगाडि लागेका छौँ र हामी सबै दुवै कोलिसन सरकारका, अभि अहिले जितेन्द्रजी हुन्छ संसदीय दलको नेता र म छु, र हाम्रो यसमा प्रतिबद्धता के छ भने संघीयता छ भने हामी छौँ। विकास निर्माणका कामहरूमा हामी प्रयास होला, कसैको चाहना हामीले जनअपेक्षा अनुसार केही कमी कमजोरी होला, तर संघीयताको मेटरमा हामी फुली डिटरमाइन्ड छौँ। देशके बाँकी अन्य छ प्रदेशमे संघीय सरकारके आशीर्वाद प्राप्त सरकार रहल रहितो, प्रदेश दू में जनता के मैंडेट अनुसार के सरकार रहल बतवैत मुख्यमंत्री राउत दू वर्ष पूरा भेला के बाद संविधान अनुसार आब अपना विरुद्ध कोनो अविश्वास के प्रस्ताव आउत तो ओकर सामना कर अपना तैयार रहल समेत टिप्पणी कलन। दुईटा पार्टी को यो संयुक्त सरकार हो, दुईटे पार्टी को सहमति ले निर्माण भएको सरकार हो, र मलाई के लाग्छ भने मैले हाम्रो आत्मीयता, हाम्रो काम गर्ने जुन किसिमको अहिले चाहिँ व्यवहार छ, मलाई लाग्दैन कि त्यस्ता अब कुनै किसिमको चाहिँ अवस्था छ। यो सरकार पाँच वर्षको लागि हो, पाँच वर्षको लागि, अहिले चाहिँ झन्डै आज दुई वर्ष तपाईँको अब भन्न ढाई वर्ष अब चुनाव निर्वाचन गरेर हुन्छ, यो सरकार पाँच वर्षको लागि हो, यो पाँच वर्ष नै चल्छ र यसमा कुनै कसैले शङ्का नगर्दा हुन्छ। ओ जनता के सरकार भेलासँग पाँच वर्ष चलबाकमे निर्धक्क भक बैस सबको के आग्रह कलने। नेपाल सती से सरापल गेल देश रहल बतबैत हो, दू तिहाई के संघीय सरकार छ महीना में मात्र 12-14% बजट खर्च कर सकल कहित प्रदेश दू के सरकार आ सभे मंत्रालय संघीय सरकार से बेसी खर्च क आगू रहल मुख्यमंत्री राउत के दावी है। यो नेपालको के रे सतीले सरापेको देश हो कि? अस्ति प्रधानमन्त्रीको सामुमा अब तपाईँले भन्नु संघीय सरकारको 5-6% बजेट हुनु पहिलो चार मन्थमा, जहाँ 2/3 मेजोरिटीको सरकार छ, के भन्ने त्यसलाई? अब भन्नु 2/3 मेजोरिटीको सरकारले 5-6% पुर्याउन सकेका छैन, र मलाई के लाग्छ भने धेरै जसो मन्त्रालयको तपाईँको त्योभन्दा धेरै बढी छ। तब हामी चाहिँ आकलन आफ्नो चाहिँ गरिरहेका छौँ, अहिले छ महिनाभित्र उहाँहरूको 12-14%भन्दा बढी जाएको छैन। तपाईँ म चाहिँ त्यो त्यहाँ गएका छु। प्रदेशसभा विचार के मुख्य अवरोधक उपभोक्ता समिति सबके भुगतानी सन्दर्भ में मुख्यमंत्री राउत जेनून काम कने उपभोक्ता समिति सबके भुगतानी देव प्रभाक बतौलन। यद्यपि अब भुगतानी केना कैल जाए ताहि के लिए गृह कार्य भ रहल हुनक कहब छलन। दू वर्षक कार्यकाल में एखन धरि कुल 78 बेर मंत्री परिषद के विचार बैस कर मधेश आंदोलन, आंदोलन में शहादत प्राप्त शहीद, विकास, विकास में सड़क संजाल, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान, मुख्यमंत्री सरसफाई आयोजना, बेटी शिक्षा बीमा, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, प्रदेश प्रहरी, प्रदेश लोक सेवा आयोग सहितक अनेकन महत्वपूर्ण काम सब अपना सबके ने मुख्यमंत्री के प्रतिवेदन में उल्लेख है। मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान संचालन में रहल रहितो प्रदेश दू के राजधानी जनकपुर धाम सफाई होब नहीं सक रहा कहकर पत्रकार सब द्वारा पूछल गेल प्रश्न में मुख्यमंत्री राउत जनकपुर धाम के मुख्यमंत्री मेयर लाल किशोर शाह जी रहल जवाब दिलन।
यहाँको मुख्यमन्त्री हाम्रो लालकिशोर शाहजी हुनुहुन्छ। नाम त तपाईँको अब तपाईँ त के अरे राजधानी त झन्डै झन्डै अब त्यो बेला भोटिङमा जान्छ। नाम त मधेस प्रदेशै हुन्छ, मधेस प्रदेशमा एकमत छौँ हामी, मधेस प्रदेश नै बनाउँछ। मुख्यमन्त्री के 26 बुदाक कार्य प्रगति विवरण के छठा बुदा में उल्लेख भेल अनुसार प्रदेश सरकार अखन धरि 23 कानून प्रदेश सभा सब पास कर चुकल 80 कानून तैयारी अवस्था में रखने आ 22 कानून सब समिति सब में विचाराधीन अवस्था में रहल देखाल गेल। के अलावा बहुतो तारीफ मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत अपन प्रदेश सरकार के कलन आ पत्रकार सब के बजा के पत्रकार सम्मेलन का वार्षिक उत्सव मनौलन। अपन टेलीविजन के लिए कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह जनकपुर धाम। राजापा सब प्रदेश दुके सामाजिक विकास मंत्री तथा राजापा के विद्यार्थी नेता तथा अध्यक्ष मंडल धनुषाक सदस्य ज्ञानेन्द्र झा ज्ञान बीच के विवाद बढ़ल। शुक्र दिन प्रदेश सरकारक 2 वर्ष पूरा भेल दिन विभिन्न उपराग लक मंत्रालय पहुंचल युवा नेता झा आ मंत्री शाह बीच खटपट भेलाक बाद विवाद होबय लागल। रिपोर्ट। फागुन दुगते शुक्र दिन प्रदेश सरकार के 2 वर्ष पूरा भेल दिन विद्यार्थी नेता राजपाक अध्यक्ष मंडल धनुषाक सदस्य तथा शरद सिंह भंडारी निकट मानल जाय वाला युवा नेता ज्ञानेन्द्र झा ज्ञानू अपने पार्टी से सामाजिक विकास मंत्री बनल नवल किशोर शाह के कार्यकक्ष में जाकर विभिन्न उपराग सब व्यक्त कलन। 2 वर्ष में प्रदेश सरकार किछ कर नहीं सकल आ स्वास्थ्य तथा शिक्षा के जिम्मेवारी समेत सम्हार रहल सामाजिक विकास मंत्रालय त और सप्तरी बाहेक अन्य जिला सब में किछ कर नहीं सकल कहला बाद मंत्री गरमा गेलन। स्रोत के अनुसार ब्लड प्रेशर आ शुगर के पेशेंट रहल मंत्री शाह अपने के औकात की अतेक धेर कह दिलन। तेकरा बाद शुक्र दिने युवा नेता झा के फेसबुक में लगातार एहन स्टेटस सब देख में आयल। नेता झा मंत्री शाह के कोनो कार्यक्रम में सहभागी होब चुनौती दैत कारी चुना लगेबाक धर के चेतावनी स्टेटस में दिलन। हमर औकात खोज वाला मंत्री के कोनो सार्वजनिक कार्यक्रम में सहभागी भ के देखाब ओ चुनौती दैत एहन स्टेटस अब लिखलन। एम्हर शनि दिन भोर में पूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री समेत रहल समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर सुरेंद्र यादव जनकपुर धाम में संचालन करैत आयल जानकी हेल्थ केयर सेंटर हॉस्पिटल में मंत्री शाह के प्रमुख आतिथ्यता में अस्पताले के एकटा कार्यक्रम पूर्व घोषित छल। मंत्री शाह ओहि कार्यक्रम में अयबाक थाह भेलाक बाद शनि दिन भोर में युवा नेता ज्ञानू झा नेतृत्व के समूह मंत्री के कारी चुना लगाब के उद्देश्य से अस्पताल पहुंचल आ ओत पुलिस सब हुनका सब के पकड़ाव कलक। जनकपुर धाम में एक तबका युवा सब के अगुवाई कर रहल नेता ज्ञानेन्द्र झा ज्ञानू कारी चुना लगाब धर के योजना सहित युवा सब के परिचालन क अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार घेराव केला के बाद पुलिस परिचालन कैल गेल। पुलिस अवस्था के मद्देनजर करैत एक दर्जन युवा सब के गिरफ्तार क ल गेला बाद मंत्री शाह कार्यक्रम में सहभागी भेलन। मंत्री शाह विवाद के बात उल्लेख नै केने रहितो ओहि कार्यक्रम में मंत्री सब के विभिन्न दायित्व रहल रहितो विभिन्न कारणवश अपना सब काम कर नै सक रहल बतौलन। सरकार के दायित्व छल लेकिन विभिन्न कारण से सरकार में जना अपने सबके पहले कॉल गेल छै कि अधिकार तो देलकै लेकिन ओकर कार्यान्वयन नहीं भ रहल छै। हमरा सबके लड़ाई लड़े पड़ै छै। मंत्री कोनो सुख भोग भोगे लेल ओ झंडा जे हिलाबै छै ओ कोनो आनंददायक झंडा नहीं छै। ओ हमरा सबके सब दिन हम सब जना अपने सबके कह के आयल छियै कि अपने सबके विकास के जो हमर धर्म छै हमर कर्तव्य छै कि आई मधेश के आई प्रदेश के विकास के जो हमरे सब पर भारा छै। मंत्री शाह झंडा हिला कर गाड़ी चढ़ते में मंत्री सब लग खाली सुविधा मात्र है दुख चुनौती आ समस्या नहीं है कहब गलत रहल बतौलन। वो अपना सब झंडा हिला कर गाड़ी चढ़ल रही तो अपना सब लग समेत एकदम समस्या आ दुख रहल बतौलन। एक समय छल जहिया चापलूसी करय वाला सब
मन्त्री बने छल मुदा एखन जनता के सरकार रहला से जनता के बहुते अपेक्षा रहल में सब काम अपना सब पूरा कर नहीं सकल ओ स्वीकार कलन जे अवस्था में रहे ओकर परिवर्तन भ रहल छ बाहर आवे पर ई वायुमंडल में आवे पर ओकरा जे भीतर में भेट रहल छले जे जते गर्मी भेट रहल छले पेट के भीतर जते विषय में युवा नेता झा संग बात कला पर स्वयं ए विषय में एखन किछ नै बाजब कहैत अपन साथी भाई सब संगे संपर्क कर आग्रह करै छथि। सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी आ राजपा के सरकार विरुद्ध अधिकतम वही पार्टी के नेता कार्यकर्ता सब असंतुष्ट बनित जा रहल अछि। उपभोक्ता समिति के भुगतानी चलक विभिन्न कारण सब के कारण सत्तासीन नेता आ ग्रासरूट के नेता कार्यकर्ता बीच के दूरी बढ़ित जा रहल अछि। अपन टेलीविजन ब्यूरो जनकपुर धाम। प्रदेश सरकारक भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेंद्र सोनल केन्द्रीकृत सरकार लगायत केन्द्रीकृत कार्यक्रम सब सेहो आब चल नै सकबाक जिक्र कयने छ। गीतकार संघ नेपाल के प्रदेश स्तरीय दू दिवसीय गीतकार स्रष्टा जमघट तथा गीत शिविर प्रदेश नंबर दू के राजधानी जनकपुर धाम में संबोधघाटन करैत मंत्री सोनल काठमांडू में मात्र भ रहल एहन गीतकार आ संगीतकार सबक जमघट आब मफसल में सेहो भ रहल प्रति खुशी व्यक्त कयने छ। सवाल पर हो, स्रष्टा के सवाल पर हो, संगीत के सवाल पर हो, खेल के सवाल पर, मानव जीवन के कोई भी आयाम जो कल तक हम लोग पूरा सेंट्रलाइज होकर के काम करते थे, हमने महसूस किया कि अब इससे हम समस्या का संबोधन नहीं कर सकते हैं। अब हमें एक दूसरा परिस्थिति को आत्मसात करना पड़ेगा, प्रादेशिक परिस्थिति को आत्मसात करना पड़ेगा। शनि दिन से नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान के सहकार्य में गीतकार संघ नेपाल के आयोजना में शुरू भेल ई शिविर फागुन 4 गते रवि दिन धरि चलत। गीतकार स्रष्टा जमघट तथा गीत शिविर कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में प्रदेश दू के वरिष्ठ साहित्यकार एवं गीतकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विमल आ गीतकार डॉक्टर डी आर उपाध्याय के दोसल्ला ओढ़ा कर सम्मान पत्र से सम्मानित कयल गेल अछि। कार्यक्रमक विशिष्ट अतिथि प्रदेशक भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मंत्री जितेंद्र सोनल हुनका सबके सम्मान कयने छलनि। उद्घाटन सत्र में गीतकार अशोक दत्त द्वारा लिखित एवं सुनील मल्लिक के स्वर में रहल मिथिला गान गीति एल्बम के लोकार्पण सेहो कयल गेल अछि। वरिष्ठ साहित्यकार एवं गीतकार डॉक्टर विमल जनकपुर धाम में एकैटा मंच में वरिष्ठ गीतकार संगीतकार सबके पाओल गेल पर खुशी लागल कहित गीत संगीतक चर्चा परिचर्चा कयने छलनि। यस संगीत सिखा पद्धत ई सबै व्यक्तित्वहरुलाई जनकपुरमा खाउँगा वास्तवमा अभिनन्दन वहाँहरुले मलाई दिएर हामीले गर्नु पर्ने थियो मेरो कुनै अवकाश एउटा अवकाश थियो के हो भनेदेखि धेरै भन्दा अलिकति भगवान्ले दियो मान्छेले दिएको होइन उमेरमा अलिक बढी थियो त्यसैले त्यो हिसाबले म जनकपुरमा दुई नम्बर प्रदेशमा उहाँहरूलाई अभिनन्दन गर्दछु। गीतकार संघ नेपालक अध्यक्ष चुडामणि देवकोटाक अध्यक्षता में सम्पन्न उद्घाटन सत्र कार्यक्रम में मधेशी आयोग के अध्यक्ष विजय दत्त एवं प्रदेश भर के गीतकार साहित्यकार सभक उपस्थिति रहल अछि। दू दिन धरि चल वाला गीत शिविर में सामाजिक तथा सांस्कृतिक अंतर घुलन में गीत के भूमिका विषय कार्यपत्र अवधेश पोखरेल से प्रस्तुत कयल जायत। एहि कार्यपत्र में आनंद गुप्ता टिप्पणी करता आ ओहि कार्यपत्र में अंतरक्रिया सेहो करबाक कार्यक्रम रहल जनाओल गेल अछि। सप्तरी के बोदे बरसाइड नगरपालिका 5 जाजर में मुस्लिम समुदाय के 3 दिवसीय धार्मिक सम्मेलन इज्तिमा शनि दिन से शुरू भेल अछि। तेसर देश के प्रतिनिधि के सहभागिता नै करेबाक आयोजक के प्रतिबद्धता पश्चात सरकार कार्यक्रम के रास्ता खोल देलाक बाद 2 लाख से बेसी के सहभागिता रहल धार्मिक सम्मेलन इज्तिमा
शुरू भेल अछि। कड़ा सुरक्षा आ निगरानी के बीच शुरू भेल धार्मिक सम्मेलन में नेपाल आ भारतक मुस्लिम के मात्र सहभागिता रहल आओर देश सँ सहभागी होबय आयल सबके समझा बुझा कऽ फिरता घुराओल गेल। धार्मिक सम्मेलन आयोजक समितिक संयोजक मोहम्मद गफूर जानकारी देलनि। ओ विशुद्ध धार्मिक कार्यक्रम आपसी आ सामाजिक सद्भाव के लेल भेला सँ कोनो व्यक्ति शंका नहि करबाक चाही आग्रह समेत कयलनि। तहिना कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति आब सकबाक उच्च जोखिम तथा अन्य स्वास्थ्य इलाज के लेल कार्यक्रम स्थल भीतर 6 ठाम में स्वास्थ्यकर्मी राखि कऽ हेल्थ डेस्क के समेत स्थापना सेहो कयल गेल बताओल गेल अछि। सम्मेलन स्थल में शांति सुव्यवस्था मिलाब डीएसपी तिलक भारती के नेतृत्व में भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी परिचालन कयल गेल अछि। डीएसपी भारती 250 नेपाल तथा 350 सशस्त्र लगाकर शांति सुरक्षा के लेल 600 सुरक्षाकर्मी परिचालन कयल गेल जानकारी देलनि। तेना कार्यक्रम स्थल में व्यवस्थापन के लेल आयोजक समिति 250 स्वयंसेवक परिचालन कयलक अछि। तहिना स्वच्छ पीबय वाला पानि के लेल 250 धारा जरान कयल गेल अछि। पहिल दिन शनि दिन 2 लाख सहभागी आबि चुकल आओर अयबा क्रम जारी रहला सँ संख्या 3 लाख धरि पहुँचबाक अनुमान कयल गेल। आयोजक समितिक संयोजक मोहम्मद गफूर जानकारी कयलनि छथि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली एकैटा पार्टी के एकैटा सरकार सँ 2 वर्ष पूरा केनाइ समेत एकटा उपलब्धि के रूप में लेबर बाग बतौलनि अछि। सरकार गठन के 2 वर्ष पूरा भेल उपलक्ष्य में शनि दिन भोर में प्रतिनिधि सभा के संबोधन करैत प्रधानमंत्री ओली सरकार के काम सब के सदन के जानकारी करौलनि अछि। संबोधन के शुरू में प्रधानमंत्री ओली कहलनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सरकार संचालन के 731 दिन अर्थात 2 वर्ष पूरा भ गेल अछि। लंबा समय धरि 6 आ 7 महीना में सरकार फेरबदल भ रहल विगत के स्थिरता के ध्यान में राखि कऽ हम सब देश में एकैटा पार्टी के एकैटा सरकार स्थापना कयने छी आ 2 वर्ष के यात्रा पूरा केनाई एकटा उपलब्धि के रूप में समेत एकरा लेबा परबाक अवस्था रहल हुनक कहब छलनि। स्वयं ऐसा आगू संसद में संबोधन करय चाहला पर नहीं पौला के बाद बाहरे बोलय पड़ल प्रधानमंत्री स्मरण कयने छलनि। तहिना के शुक्र दिन संसद में संबोधन करय लगला पर राष्ट्रीय सभा सदस्य के निधन के कारण बोलय नहि पौने कहैत मृतक राष्ट्रीय सभा सदस्य दुर्गा प्रसाद उपाध्याय प्रति श्रद्धांजलि अर्पण कयलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली संसद में बजैत अपन सरकार ऊपर उठल सार्वजनिक प्रश्न सबके प्रतिवाद समेत कयलनि अछि। आनंद मार्ग प्रचारक संघ नेपाल के राष्ट्रीय त्रिदिवसीय योग साधना शिविर जनकपुर धाम में जारी अछि। शिविर के दोसर दिन विभिन्न कार्यक्रम आयोजन कयल गेल अछि। दोसर दिन शनि दिन जनकपुर धाम में शोभा यात्रा सेहो निकालल गेल अछि। तऽ विभिन्न भजन कीर्तन आ योग साधना में सहभागी लोकनि सक्रिय देखल गेल। जीवन का आदर्श इसका लक्ष्य है प्रत्येक मनुष्य को नीतिवाद में प्रतिष्ठित करते हुए धर्म साधना के माध्यम से जीवन का जो सर्वोपरि लक्ष्य है परम पुरुष की प्राप्ति ब्रह्मानंद की प्राप्ति उस ओर ले जाना इसका उद्देश्य है। यहाँ पर शिक्षक के रूप में 3 दिन योग साधना शिविर के लिए आया जिसमें कार्यक्रम में सहभागी साधु महात्मा लोकन सन्यासी लोकन आनंद मार्ग एक संपूर्ण मानव जीवन के आदर्श रहल जानकारी करवैत आनंद मार्ग के विषय में जानकारी करौने छलैन। जनकपुर धामक गोपाल धर्मशाला में शुरू भेल योग साधना शिविर में कार्यक्रम में संघक जिला उपाध्यक्ष चक्रबहादुर विश्वकर्मा प्रशिक्षक आचार्य रुद्र प्रकाश चंद्र अवधूत आचार्य सुखदीपानंद अवधूत आचार्य सर्वागानंद अवधूत अवधूतिका आनंद शुद्धता आचार्य हेमंत कुमार कर्ण कृष्णदेव महतो सहितक सबके उपस्थिति अछि। योग साधना शिविर रवि दिन धरि चलत। जय माँ जानकी समाज सेवा नेपाल महोत्तरी के गोपालपुर नगरपालिकाक लक्ष्मीपुर सबैला गांव स्थित कैंसर रोग से पीड़ित परिवार सबके आर्थिक सहयोग कयलक अछि। जय माँ जानकी समाज सेवा नेपालक सचिव उज्ज्वल झा रोग से पीड़ित परिवार के किछु रकम आ लत्ता कपड़ा चाउर दालि नून सहितक सामग्री सब प्रदान कयने बतौलनि अछि। कुछ रकम और चावल दालि नून सहयोग के लिए जनकपुर धामक पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह जय माँ जानकी समाज सेवा नेपाल संस्था पवित्र उद्देश्यक संग कैंसर पीड़ित के लेल राहत उपलब्ध करौने कहैत परोपकार के काज सराहनीय रहल
धारणा रखने छन। ये संस्था दुबई कतार जेहन जनकपुर धाम में सेहो शाखा विस्तार क उत्तम काज कर रहल हुनक कहब छलन। कैंसर पीड़ित परिवार के अइ संस्था के द्वारा जे मदद देल गेल। अब ई जे व्यक्ति जे कैंसर भ जाइ छै ओहिके बाद जे छै मृत्यु भ गेल तऽ अइ संस्था के द्वारा जे छै मदद करे के एकटा उद्देश्य बनेले छै और वही अनुरूप जे छै आइ जाके जे छै रुपया पैसा देलकै, चावल देलकै, दाल देलकै, मसाला देलकै। अइ प्रकार से ओहि परिवार के जति व्यक्ति छै सबके चावल, वस्त्र और रुपया। कार्यक्रम में उन्देश्वर राय, राम भवन कापर, कृष्णदेव मंडल, निकेत झा सहितक समाजक पदाधिकारी लोकन के उपस्थिति छल। सिरहा प्रहरी सुरक्षा के भरोसगर व्यवस्था मिलौने दावी करैत एलो पर नगर क्षेत्र में विगत किछु समय से बढ़ल चोरी के घटना से नगरवासी आक्रांत बनल अछि। मिर्चिया से एक रात में 4 मोटरसाइकिल चोरी भ गेल अछि। घर में रखने अवस्था में मिर्चिया नगरपालिका से प्रदेश 201001 P16-83 दिनेश कुमार महतो के 6 P38-21 9 P नंबर के मोटरसाइकिल चोरी भेल अछि। तहिना करजनहा नगरपालिका 3 बंदीपुर के वार्ड अध्यक्ष कपिलेश्वर यादव के घर से 1 P10-39 नंबर के मोटरसाइकिल चोरी भेल अछि। वार्ड अध्यक्ष यादव गांव घर के परामर्श तथा भेंट घाट से घूर रहल बेर में घर में रखने मोटरसाइकिल चोरी भेल बतौलन। प्रहरी चोरी भेल मोटरसाइकिल के खोजी काज जारी रहल बतौलक। जिला प्रहरी कार्यालय सिरहा के सूचना अधिकृत विनोद घिमिरे चोरी भेल जानकारी पाव लगले प्रहरी परिचालन के खोजी काज कर लागल बतौलने। नेपाल प्रहरी 16 जुआड़ी के 6 लाख रुपया सहित पकड़लक। काठमांडू तारकेश्वर नगरपालिका 9 शुभकामना चौक में घर भाड़ा लग रह वाला दिनेश पंत के घर में जुआ खेल वाला 16 गोटे के पुलिस पकड़लक। पकड़ायल में शंकर डंगोल, मोहन खड़का, देवरत्न श्रेष्ठ, रोशन ठकुरी, रामशरण खत्री, पदम अधिकारी, इंद्र राज बिराड़ी, दिनेश राज कुंवर, बुद्धि बहादुर गुरुंग, राजू गुरुंग आ अनूप गुरुंग रहल छन। तेना देवेंद्र केसी, श्याम सुंदर नगर कोटी, विमल मगर, दिनेश पंत आ शिवजी शिवाकोटी के पुलिस पकड़लक। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमांडू के प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक होविंद्र बोगटी भारी रकम कारोबार करैत जुआ तास खेलने सबके पुलिस नियंत्रण में लेने जानकारी देने। अब इंटरनेशनल न्यूज। सबसे बेसी आबादी क्षेत्र में से एकटा बेजिंग में कोरोना वायरस फैल नहीं देब चीन और सतर्कता अपनौलक। नियंत्रण अभियान अंतर्गत निगरानी के अनेक उपाय अवलंबन कने चीन पछिलका बेर देश के अन्य भाग से बेजिंग घूरल सब 14 दिन क्वारंटाइन में बैसल जेबाक चाहिए नियम बनौलक। चीन के बेजिंग वायरस प्रिवेंशन वर्किंग ग्रुप शुक्र दिन एकटा सूचना जारी करित नया वर्ष मना के घूरल समय संक्रमण होब सकला से एहन कदम चालल गेल बतौलक। इंडियन संगे आब छुट्टी मना के घूरल सब सेल्फ क्वारंटाइन वा अय के लिए तोकल गेल स्थान सब में 14 दिन बैस पड़त। चीनिया बीच घूम फिर क नया वर्ष मनेबाक संस्कृति है। कोरोना वायरस फैलला के बाद चीन घूम फिर में नहीं जाए आ अ विरुद्ध के अभियान में शरीक होब आग्रह कने। 20 मिलियन से बेसी व्यक्ति के बसोबास रहल बेजिंग में घूम फिर में गेल में से संक्रमण लागला के बाद एहन सतर्कता अपनाओल गेल। चीनिया नेशन हेल्थ कमीशन से दिन जनौने अनुसार कोरोना से और 143 गोटे के जान गेल। अही संगे वायरस के कारण जान गुमा वाला के संख्या 1523 पहुँचल। 66492 में संक्रमण देखल गेल। चीन संगे आर 24 देश में 500 से बेसी कोरोना से संक्रमित वेल बीबीसी जनौलक। चीन बाहर 3 गोटे के जान गेल। हांगकांग, फिलीपींस आ जापान में कोरोना संक्रमित के जान गेल। अब स्पोर्ट्स न्यूज। त्रिभुवन आर्मी क्लब के 1-0 गोल अंतर से पराजित करैत मच्छिंद्र क्लब शहीद स्मारक डिवीजन लीग के पहिल बेर चैंपियन बन सफल भेल। शनि दिन दशरथ रंगशाला में भेल खेल के 33वें मिनट में उपहार पौने गोल से मच्छिंद्र के इस संस्करण के चैंपियन बना दिलक। आर्मी के विकास तमांग के ने आत्मघाती गोल से चैंपियन बनल मच्छिंद्र पहिल बेर ए डिवीजन लीग के उपाधि जीत सफल भेल। फ्री किक के हेड से क्लियर करबाक क्रम में विकास अपने पोस्ट में गोल कर देने छल। लीग भेर दुनू टोली समान प्रदर्शन में केलो पर बीतल सीजन अंतिम 2 में रहल कारण मच्छिंद्र के इस सीजन 1 अंक कर्जा बोकने छल।
उपाधि विजेता मच्छेन्द्र 13 खेल में 31 अंक जोड़ सफल भेल छल। मच्छेन्द्र 10 में जीत 2 में आ बराबरी आ एक खेल में हार निकालला पर आर्मी 9 में जीत 2 में बराबरी आ 2 खेल में हार के नतीजा निकालने छल। मच्छेन्द्र 10 में जीत 2 में बराबरी आ एक खेल में हार निकालने छल। लीग में मनाग मर्स्याङदी क्लब 28 अंक जोड़े तेसर स्थान बनौलक अछि। 26 अंक के संग थ्री स्टार चारिम, 20 अंक के संग नेपाल पुलिस क्लब पाँचम, 19 अंक के संग जावला खेल युद्ध क्लब छठम स्थान में रहल अछि। शीर्ष 6 टोली अगिलका बैसाख में राष्ट्रीय लीग खेल पाओत। सिरहा के करजनहा नगर पालिका बस्तीपुर में आयोजना होबयवला प्रदेश स्तरीय 8-13 वर्ष उमेर समूह के फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेबाक लेल सप्तरी के बाल खिलाड़ी सबके शनि दिन विदाई कयल गेल अछि। जिला फुटबॉल संघ तथा वार्ड कार्यालय 8 संयुक्त रूप में एक कार्यक्रम के आयोजन कक बाल खिलाड़ी सबके विदाई कयलक अछि। शनि दिन से बस्तीपुर में 3 दिन धरि संचालन होबयवला प्रतियोगिता में 8-13 वर्ष उमेर समूह के छात्र दिस 28 आ छात्रा दिस 14 लगाकर 42 गोटे बाल खिलाड़ी सप्तरी से प्रतिस्पर्धा करत। विदाई कार्यक्रम में जिला फुटबॉल संघ सप्तरी के उपाध्यक्ष एवं प्रशिक्षक राजकुमार परियार, नेपाल खेलकूद पत्रकार मंच सप्तरी के अध्यक्ष मनोज कुमार माझी, वार्ड अध्यक्ष जयराम मंडल, एन्फा प्रशिक्षक रमेश श्रेष्ठ, पत्रकार राजू विश्वकर्मा, नवीन गुप्ता लगायत उत्कृष्ट प्रदर्शन के शुभकामना देने छलनि। ओहि प्रतियोगिता में प्रदेश 2 के 8 जिला के बाल खिलाड़ी के सहभागिता रहत। प्रतियोगिता में छनौट भेल सबके राष्ट्रीय स्तर के प्रतिस्पर्धा में सहभागी कराकर तथा ओहिठाम से छनौट भेल सबके एन्फा के अकेडमी में रखबा कार्यक्रम रहल। एन्फा प्रशिक्षक रमेश श्रेष्ठ जानकारी देलनि। विद्यालय के बाल बालिका के ग्रास रूट फुटबॉल कार्यक्रम मार्फत प्रशिक्षित कराओल गेल। आय से छनौट कक प्रदेश आ राष्ट्रीय स्तर में प्रतिस्पर्धा करेबाक एन्फा के योजना अनुसार अय जिला से 42 गोटे खिलाड़ी तैयारी कयल गेल। हुनक कहब छलनि ग्रास रूट फुटबॉल कार्यक्रम एन्फा आ फिफा के महत्वाकांक्षी परियोजना अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर सँ। प्रदेश 2 सरकारक 2 वर्ष भेल पूरा। मुख्यमंत्री राउत के दावी देश में संघीयता प्रदेश 2 सरकार के कारण बाजि रहल अछि। राजपा से मंत्री बनल मंत्री आ राजपा के युवा नेता कार्यकर्ता बीच विवाद बढ़े जा रहल। अपने पार्टी के मंत्री के कारी झंडा आ कारी चुना लगेबाक धरि के प्रयास। सप्तरी के बोधे बरसाए नगर पालिका 5 जाजर में मुस्लिम समुदाय के 3 दिवसीय धार्मिक सम्मेलन इज्तिमा शनि दिन से शुरू, विशाल उपस्थिति। चीन सहित विश्व के विभिन्न देश में कोरोना के संकट, मृतक के संख्या 1523 पहुंचल, 66,492 गोटे संक्रमण। आ त्रिभुवन आर्मी क्लब के 1-0 गोल अंतर से पराजित करते मच्छेन्द्र क्लब पहल बेर शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग के चैंपियन बना सफल। अपन न्यूज एखन के लिए एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रह। नमस्कार।